भगवान श्री हरि विष्णु के कई नाम हैं। वे त्रिदेवों में से एक हैं, जिन्हें जगत का पालनहार कहा जाता है। भगवान विष्णु ने जगत के कल्याण के लिए बहुत से अवतार लिए हैं। उनके प्रमुख अवतार को दशावतार कहा जाता है। और आज इस वीडियो में हम नारायण के 108 नामों के बारे में जानेंगे, साथ ही उनके अर्थ और उनके महत्व के बारे में भी जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और हमारे साथ कहें नारायण 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 नारायण। इस नाम का अर्थ होता है ईश्वर तथा परमात्मा, विष्णु। इस नाम का अर्थ है हर जगह विराजमान रहने वाले। वशटकार, इसका अर्थ है यज्ञ से प्रसन्न होने वाले। भूत भव्य भवत प्रभु, अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य के स्वामी। भूतकृत, इसका अर्थ है सभी प्राणियों के रचयिता। भूतभृत, इसका अर्थ है सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भाव, अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले। भूतात्मा, अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा में वास करने वाले। भूतभावन, इसका अर्थ है ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। पूतात्मा, इसका अर्थ है शुद्ध छवि वाले प्रभु। परमात्मा, इसका अर्थ है श्रेष्ठ आत्मा। मुक्ता नाम परमागति, अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाले। अव्यय, अर्थात हमेशा एक रहने वाले। पुरुष, हर जन्म में वास करने वाले। साक्षी, ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी। क्षेत्रज्ञ, अर्थात क्षेत्र के ज्ञाता। गरुण ध्वज, अर्थात गरुण पर सवार होने वाले। योग, अर्थात श्रेष्ठ योगी। योगाविदाम नेता, यानी सभी योगियों के स्वामी। प्रधान पुरेश्वर, अर्थात प्राकृति और प्राणियों के भगवान। नरसिंहपुष, अर्थात नरसिंह रूप धारण करने वाले। श्रीमान, अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाले। केशव, अर्थात सुंदर बाल वाले। पुरुषोत्तम, मतलब श्रेष्ठ पुरुष। सर्व, अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित हों। शर्व, अर्थात बाढ़ में सब कुछ नाश करने वाले। शिव, अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले। स्थाणु, यानी स्थिर रहने वाले। भूतादि, अर्थात सभी को जीवन देने वाले। निधिर्व्यय, अर्थात अमूल्य धन के समान। संभव, अर्थात सभी घटनाओं में स्वामी। भावन, अर्थात भक्तों को सब कुछ देने वाले। भर्ता, संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक। प्रभव, अर्थात सभी चीजों में उपस्थित होने वाले। प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु। ईश्वर, अर्थात पूरे ब्रह्मांड के अधिपति। स्वयंभू, अर्थात स्वयं प्रकट होने वाले। शंभु, अर्थात खुशियां देने वाले। जगन्नाथ, अर्थात जग के नाथ। पुष्कराक्ष, अर्थात कमल जैसे नयन वाले। महास्वर्ण, अर्थात वज्र की तरह स्वर वाले। अनादि निधन, यानी जिनका ना आदि है और ना ही अंत। धाता, अर्थात सभी का समर्थन करने वाले। विधाता, अर्थात सभी कार्यों व परिणामों की रचना करने वाले। धातुरोत्तम, अर्थात ब्रह्मा से भी महान। अप्रमेय, अर्थात नियम व परिभाषाओं से परे। ऋषिकेशा, अर्थात सभी इंद्रियों के स्वामी। पद्मनाभ, अर्थात जिनके पेट से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अमर प्रभु, अर्थात अमर रहने वाले। विश्वकर्मा, अर्थात ब्रह्मांड के रचयिता। मनु, अर्थात सभी विचार के दादा। त्वष्टा, अर्थात बड़े को छोटा करने वाले। वासुदेव, यानी नर से नारायण बनने वाले। स्थिविरो ध्रुव, अर्थात प्राचीन देवता। आग्रह, अर्थात मांसाहार का त्याग करने वाले। शाश्वत, अर्थात हमेशा अवशेष छोड़ने वाले। कृष्ण, अर्थात काले रंग वाले। लोहिताक्ष, अर्थात लाल आंखों वाले। प्रतर्दन, अर्थात
बाढ़ के विनाशक, प्रभुत अर्थात धन और ज्ञान के दाता, त्रिकुपधाम अर्थात सभी दिशाओं के भगवान, पवित्रा अर्थात हृदय पवित्र करने वाले, मंगल परम अर्थात श्रेष्ठ कल्याणकारी, ईशान हर स्थान पर वास करने वाले, प्राणद अर्थात प्राण देने वाले, प्राण अर्थात जीवन के स्वामी, ज्येष्ठ यानी सबसे बड़े प्रभु, श्रेष्ठ सबसे महान, प्रजापति सभी के मुख्य, हिरण्यगर्भ अर्थात विश्व के गर्भ में वास करने वाले, वासुदेव नरसे नारायण बनने वाले, माधव देवी लक्ष्मी के पति, मधुसूदन राक्षस मधु के विनाशक, ईश्वर सबको नियंत्रित करने वाले, विक्रमी अर्थात सबसे साहसी भगवान, धान्वी अर्थात श्रेष्ठ धनुषधारी, मेधावी अर्थात सर्वज्ञाता, विक्रम अर्थात ब्रह्मांड को मापने वाले, क्रम अर्थात हर जगह वास करने वाले, अनुत्तम अर्थात श्रेष्ठ ईश्वर, दुराधर्ष यानी सफलता पूर्वक हमला ना करने वाले, कृतज्ञ अर्थात अच्छाई बुराई का ज्ञान देने वाले, कृति कर्मों का फल देने वाले, आत्मवान अर्थात सभी मनुष्यों में वास करने वाले, सुरेश अर्थात देवों के देव, शरणम यानी शरण देने वाले, चक्रधारी अर्थात चक्र धारण करने वाले, विश्वरेता अर्थात ब्रह्मांड के रचयिता, प्रजाभव अर्थात भक्तों के अस्तित्व के लिए अवतार लेने वाले, अर अर्थात दिन की तरह चमकने वाले, संवत्सर अर्थात अवतार लेने वाले, व्याल अर्थात नाग द्वारा कभी ना पकड़े जाने वाले, प्रत्यय यानी ज्ञान का अवतार कहे जाने वाले, सर्वदर्शन अर्थात सब कुछ देखने वाले, अज अर्थात जिनका जन्म नहीं हुआ हो, सर्वेश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, सिद्ध सब कुछ करने वाले, सिद्धि अर्थात कार्यों के प्रभाव देने वाले, सर्वादि यानी सभी क्रियाओं के प्राथमिक कारण, अच्युत अर्थात कभी ना चूकने वाले, वृषाकपि अर्थात धर्म और वराह का अवतार लेने वाले, अमेय आत्मा अर्थात जिनका कोई आकार नहीं है, सर्व योग विनी अर्थात सभी योगियों के स्वामी, वसु सभी प्राणियों में रहने वाले, पीताम्बर यानी पीले वस्त्र धारण करने वाले, सत्य अर्थात सत्य का समर्थन करने वाले, समात्मा यानी सभी के लिए एक जैसे, सम्मित अर्थात सभी प्राणियों में असीमित रहने वाले। अब बात करते हैं इनके महत्व के बारे में। इन नामों का स्मरण करने से सकारात्मक सोच मन में आती है, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु से रक्षा करते हैं। इन नामों का स्मरण करने से बैकुंठ में भगवान के चरणों में स्थान मिलता है, धन की प्राप्ति होती है और मनवांछित फल प्राप्त होता है, और साथ ही सभी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।